Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to remove ads. इस फोन में दिन भर बहुत सारे अनवांटेड नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, अब इसे बंद कैसे करें? दोस्तों, इस फोन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को डिसेबल करके एडवर्टाइजमेंट टोटली बंद तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे सेटिंग्स बताऊँगा, अब फॉलो करते रहिए। नंबर वन, सबसे पहले ऐप ड्रॉअर से शुरू करेंगे। ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद यहाँ आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के एड्स देखने को मिलते हैं। इन सभी फालतू की एड्स रिमूव करने के लिए मैनेज पे टैप करना है। इसके बाद ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स, यहाँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेटिंग्स डिजेबल कर दीजिए। आप देखिए, ऐप ड्रॉअर से एडवर्टाइजमेंट गायब हो गया है। दोस्तों, ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद शायद आपने नोटिस किए होंगे, काफी सारे ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन से हमारा फोन भरा हुआ है। अब उसे खाली करना पड़ेगा। जिस ऐप को अनइंस्टॉल करना है उसके ऊपर टैप एंड होल्ड करें, फिर एक पॉपअप आएगा, यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो सिस्टम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होगा उसकी ऐप इन्फो में जाके डिजेबल कर सकते हैं। इनमें से केवल उन्हीं ऐप्स को अनइंस्टॉल या डिजेबल करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिस्टम ऐप गलती से डिजेबल हो जाए तो उसे वापस एक्टिव करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद ऐप्स, नेक्स्ट डिजेबल ऐप्स, यहाँ पर आपको सारे डिजेबल किया हुआ सिस्टम ऐप देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो स्कैन होता है, साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाएगा। इसे बंद करने के लिए फोन मैनेजर एप्लीकेशन को भी डिजेबल कर दीजिए। लॉक स्क्रीन एड्स, लॉक स्क्रीन पर जो ऐड आते हैं उसको हम बंद कैसे करेंगे? लॉक स्क्रीन ऐड हटाने के लिए फोन सेटिंग्स में चले जाइए। फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर टैप करेंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाइए, नेक्स्ट ग्लेंस ऑप्शन को ओपन करेंगे। दोस्तों, ग्लेंस फीचर्स की वजह से लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता है और हमको इसके साथ एड्स भी दिखाया जाता है। अब इस ग्लेंस फीचर्स को ऑफ करने के बाद लॉक स्क्रीन पर कोई भी एड्स नहीं आएगा। फोन सेटिंग्स में स्क्रॉल करके नीचे नीचे आइए, नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट रिकमेंडेशन। बाय डिफॉल्ट हमें ऐड दिखाने के लिए ये ऑन रहते हैं, तो इसे डिजेबल कर दीजिए। एडिशनल सेटिंग्स से बैक आइए, नेक्स्ट अबाउट डिवाइस में जाना है। अबाउट डिवाइस के एकदम लास्ट में एक ऑप्शन दी गई है, एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इस पर टैप करना है। इसके अंदर ये जो दो सेटिंग्स दिख रहा है इसे बंद कर दीजिए। दोस्तों, हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस हिसाब से ऐड दिखाएगा। एग्जाम्पल, कौन से ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, किस में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कौन सा चीज़ आप खरीदना चाहते हो, उस टाइप के एड्स आपको टारगेट करके दिखाया जाता है। तो सिंपली इन सभी सेटिंग्स को डिजेबल कर दीजिए। दोस्तों, इन सभी सेटिंग्स को चेंज करने के बाद हमारे फ़ोन में एड्स आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा शायद आपने नोटिस किए होंगे, कई सारे एप्लीकेशन दिन भर कंटिन्यूस नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद करने के लिए फ़ोन सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाइए। यहाँ सभी एप्लीकेशन का लिस्ट देखने को मिलेगा। आप उन ऐप का नोटिफिकेशन टोटली डिजेबल कर दीजिए जो आपका हर समय परेशान करते रहते हैं। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ऐप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी बंद किया हुआ है। गाइज, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट बंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।